पैरों को जैसे मैंने बोला था ना थोड़ा गैप। है एवरीवन, दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम राहुल बैक। गाइस आप लोग कैसे हैं? गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस और कहाँ से आती है। हल्का राइट, उसको राइट, थोड़ा सा राइट राइट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मॉर्निंग, मेरा नाम सबिया है। ओके, कहाँ से आती हैं आप ड्राइविंग सीखने? मैं अमीनाबाद मॉडल हाउस से आती हूँ। ओके राइट रखो हल्का सा। और आपके पास कौन सी कार है? राइट रखो थोड़ा राइट। स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो, ओके, तो चलानी आपको स्कॉर्पियो है जी बिल्कुल। आप स्कूटी चला लेती हैं? नहीं। साइकिल? सर बिल्कुल मैं कुछ नहीं चला। साइकिल स्कूटी कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट फोर व्हीलर से सीखना स्टार्ट किया है। सर मुझे, मैं आपके पास बहुत होप लेकर आई हूं कि आप प्लीज मुझे सिखाएंगे और मेरी जो ये ड्रीम है ये मेरा। राइट हल्का रखो, गड्ढे को बीच में लो दोनों टायरों के। तो दोस्तों मैम मेरे पास अमीनाबाद से आई मॉडल हाउस से, स्पीड बढ़ाई है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी जान लगा दूंगा इनको सिखाने में, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा ये रहता है कि मैं लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दूँ। आप देखते हो दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं, दिल्ली, मुंबई, बिहार, रांची से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इंडिया से बाहर से भी आके लोग सीख के गए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गाइड, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई बंदा अगर 20 साल से चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मैम का आज है सेकेंड डे है ना जी? सेकेंड डे के हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है और मैं इनको चलवा रहा हूँ ट्रैफिक में। हल्का राइट रखो और वन आर राइट रखो, थोड़ा राइट और राइट और राइट, ट्रैफिक में चलवा रहा हूँ ताकि मतलब इनको जो इनके अंदर डर है, ये रोड, इनको रोड फीबिया है, घबरा बहुत जल्दी जाती, भीड़ देख के पैनिक हो जाती है। राइट रुको हल्का सा राइट। और अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो लगी हुई जो कि इनकी गाड़ी है, इनके हस्बैंड पीछे पीछे चल रहे हैं गाड़ी लेके। ठीक है हल्का राइट रखो, हल्का सा राइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए पीछे स्कॉर्पियो आ रही है, ये देखो पीछे स्कॉर्पियो चल रही है, वो इनके हस्बैंड है गाड़ी में और इनकी डॉटर भी है। हल्का राइट रखो थोड़ा सा, हाँ और राइट रखो थोड़ा सा, स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे, हाँ हल्का सा राइट। अभी ब्रेक पे पैर लेके आओ, सामने बंदा जा रहा है तो थोड़ा सा बिफोर आपको ब्रेक पे पैर रखना, ठीक है? जाने दो धीरे से, लेफ्ट आओ, हाँ हल्का राइट, हॉर्न यहाँ से लेफ्ट, सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर को और लेफ्ट टर्न करना, धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करो, काटो लेफ्ट, स्टीयरिंग घुमाओ, बस बस इससे ज़्यादा नहीं, वेट वेट वेट, अभी नहीं सीधी करनी है, अब सीधी करो, सीधी करो, बस जाने दो, दोनों स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे, गुड। हल्का राइट रखो, राइट, हाँ और आपका राइट वाले साइड मिरर में और लेफ्ट वाले साइड मिरर में दोनों में आपकी नज़र चलनी चाहिए, ठीक है? हल्का लेफ्ट आओ, राइट में कार है आपके, बस आप मिरर देखा करिए, डरिए नहीं, हल्का सा लेफ्ट आओ, स्टीयरिंग को 3 और 9 पे, हाँ ये थंब जो है ना ऊपर की तरफ रहना चाहिए आपका, और ये लेफ्ट में जो व्हाइट लाइन है इस पे ध्यान रखिएगा, गुड। हल्का सा राइट, बिफोर प्लान करना है, जैसे सामने देखो दो साइकिल जा रही है, अभी से मैंने आपसे कहा कि हल्का सा राइट ताकि वहां पहुंचते पहुंचते आपकी लाइन चेंज हो जाए, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हल्का सा लेफ्ट आओ, बस राइट को थोड़ा राइट राइट था, स्पीड कम, स्पीड ब्रेकर है सामने, ब्रेक पे पैर लेके आओ, गुड, पूरा पैर नहीं उठाते मैम, हल्का लेफ्ट आओ गाड़ी लेके, ये देखो यहाँ स्पीड ब्रेकर है, सीधी करो गाड़ी, गुड, लेफ्ट आओ हल्का, स्टीयरिंग बार बार आप नीचे क्यों पकड़ लेती हैं, हाँ गुड, अब एक्सीलेटर पे वापस पैर रखो, पूरा पैर फिर उठा के ले गई आप, पूरा राइट रखो राइट राइट, पूरा पैर नहीं उठाना था आपको, एडी आपकी एक जगह फिक्स रहनी चाहिए, टो चलना चाहिए, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, टो चलना चाहिए, हाँ ऐसे, अभी रेस करो हल्का, गुड, लेफ्ट वाली लाइन में रखो, आपकी साइड जो है वो लेफ्ट है ना कि राइट है, जो ये वाइट पट्टी दिख रही है राइट में, इससे लेफ्ट की साइड,
क्योंकि सिंगल रोड है ना, सामने वाले का भी हमें फोकस में रखना है कि भाई सामने वाला कहाँ जा रहा है। राइट वाले लेफ्ट वाले मिरर में आपकी एक एक सेकंड में नज़र जानी चाहिए, जैसे आप तैयार होती शीशा देखती हैं मिरर, वैसे ही नज़र होनी चाहिए। बढ़ाओ, सीधा जाना एकदम एकदम स्ट्रेट इधर, हाँ इधर इधर इधर, राइट खोल का गुड। लाइन नहीं चेंज करनी है, लाइन नहीं चेंज करनी मैम। स्टीयरिंग बार बार आप गलत क्यों पकड़ती हैं, जब मैंने आपको एक तरीका बताया है कि स्टीयरिंग पे हाथ वहीं होना चाहिए। स्पीड कम, ब्रेक पे पैर, गुड। हल्का लेफ्ट आओ, हल्का सा राइट रखो थोड़ा सा, बस स्पीड ब्रेकर था यहाँ पे, ठीक है। वी शेप में पैर चलना चाहिए मैम, आपका पैर पूरा उठ रहा है नहीं? ओके, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट। वो एड़ी जो है ना वो हल्की टेढ़ी करो, मेरी तरफ एड़ी लेके आओ, हल्की मेरी तरफ एड़ी, एड़ी पंजा नहीं एड़ी, हाँ अपटो लेके जाओ, सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, अब पंजा लेके जाओ उस पर पंजा, ये फिर ब्रेक पे लाओ, फिर ले जाओ, फिर लेके आओ, ऐसे चलना चाहिए आपका पैर राइट वाला, ठीक है, वी शेप में। इससे क्या होगा, कभी भी गलती से एक्सीलेटर नहीं दबेगा। हल्का राइट रखो, बस जाने दो धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट आओ, बस सीधा लेफ्ट आओ, बस मैम जो ये अंगूठा आपका यहाँ रहना चाहिए, हाँ एकदम सीधा जाना है, और ग्रिप नहीं बनानी, ढीले हाथों से पकड़ना है आपको इसको, ये चीज़ ऐसे खुली रहेगी ये चीज़, हाँ ऐसे ब्रेक पे पैर, स्पीड ब्रेकर है ये देखो यहाँ पे, हाँ बस। ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग मैटर, अब पैर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही चलना चाहिए। अभी हल्का सा ब्रेक पे पैर रखो, गुड, राइट रखो थोड़ा, हाँ हल्का सा, हाँ लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट, अब देखो कर दिया इन्होंने गड़बड़ है, देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, बड़ा हो जाओ धीरे से, छोड़ो धीरे 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 धीरे, हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ अभी लेफ्ट आओ, सीधा चलना है और लेफ्ट आओ, स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, राइट रखो, सामने ऑटो आ रहे हैं दो, बस और थोड़ी सी स्पीड लो, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से क्लच दबा के सेकंड गियर, लेफ्ट ला के पीछे खींचो, ये फोर्थ गियर हो गया, लेफ्ट दबा के डालना था, लेफ्ट ला के पीछे खींचो, हाँ खींचो, अब लगा सेकंड गियर, जाने दो धीरे धीरे। सर के सारे सब्सक्राइब कर रहे हैं जो, राइट रखो हल्का, ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे हल्का सा राइट रखो, राइट और राइट, थोड़ा लहरा रही है गाड़ी आपकी, हॉर्न बजाइए, जाने दो धीरे धीरे, हाँ गुड, थोड़ा लेफ्ट ही रखो, ज़्यादा राइट नहीं, हल्का राइट रखो, राइट बस, राइट राइट आपका, राइट आपका और लेफ्ट आपका, ठीक है, स्पीड थोड़ा कम, अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, बस यहीं से राइट टर्न करना है, ब्रेक पे पैर रखो, अभी थोड़ा आगे जाके यहीं से, हाँ राइट काटो, टर्न करो, काटो स्टीयरिंग, घुमाओ जल्दी जल्दी, बस 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 बस, इससे ज़्यादा नहीं, अभी सीधी करो और बस, हॉर्न बजाओ, ब्रेक पे पैर, एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक पे पैर, ब्रेक पे गुड, हॉर्न बजाओ, हल्का राइट रखो, बस जान धीरे धीरे जाने दो, हल्का लेफ्ट आओ, चलने दो धीरे धीरे, गुड, एक्सेलेटर ज़रूरत नहीं है, जाने दो धीरे धीरे। स्टीयरिंग सही पकड़ा है, अभी रोकना है गाड़ी, पहले पूरा क्लच दबाओ फिर ब्रेक, फुल क्लच धीरे से ब्रेक, दोनों चीज़ दबाया, अभी इसको गियर को हल्का सा ऊपर करो, हल्का सा गियर को, हल्का सा, हाँ ज़्यादा कर दिया, बस अब ये फ्री है, अब इसको पहले गियर में डालो, लेफ्ट ला के ऊपर, हाँ हो गया, अभी पहले ब्रेक छोड़ो, पैर ब्रेक पे रहेगा, अभी हाफ क्लच छोड़ो, हाफ फुल नहीं, हाफ बस बस, थोड़ा सा और, वेट वेट वेट, बस इससे ज़्यादा नहीं, गाड़ी मूव कर गई, वापस क्लच दबाओ पूरा फुल, धीरे से ब्रेक, ब्रेक और दबाओ ब्रेक, रुक गई गाड़ी, अब ऑलरेडी फर्स्ट गियर में है, तो फर्स्ट गियर में वापस बढ़ाने के लिए पहले ब्रेक छोड़ो, अब हाफ क्लच, हाफ क्लच, बैम ब्रेक पे पैर रखो, छोड़ने मत, आपने जल्दी क्लच छोड़ दिया, इतना जल्दी क्लच नहीं छोड़, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, हो गई, नहीं हुई, वापस स्टार्ट, बस हो गई, क्लच को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे, चलो बस, वेट इससे ज़्यादा नहीं, हॉर्न बजाओ अंकल को, देख रहे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बढ़ाओ धीरे से,
जाओ कैसे लोग हो, जाओ 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 जाओ, बस छोड़ो धीरे धीरे, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, 80 साल के वैसे ही हल्का लेफ्ट आओ, बस सीधा जाना है, लेफ्ट आओ लेफ्ट, मैम लेफ्ट और राइट में आप कंफ्यूज हो रही है, स्टीयरिंग गलत पकड़ लिया, फिर हल्का फुल्का लेफ्ट राइट आने के लिए आपको हाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये अंगूठा आपका यहाँ होना चाहिए ऐसे, हाथ दोनों हाथों का बस, फिर रोकना है पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, फुल क्लच, धीरे से ब्रेक, ब्रेक हाँ स्टॉप, ठीक है, अब वापस इसको गियर को न्यूट्रल करो, हल्का पहला गियर डालो, फिर ये तीसरा डाल दिया आपने, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल हाँ पहला गियर, अभी पहले ब्रेक को फ्री करो, पैर ब्रेक पे रहेगा, पैर ब्रेक पे, अब हाफ क्लच छोड़ो, राइट वाले मिरर में चेक करो कोई गाड़ी तो नहीं चल रही है, बस वेट इससे ज़्यादा नहीं, गाड़ी बढ़ गई, फिर पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक, ब्रेक गुड, फिर वापस ब्रेक छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच, एंडी को नीचे रोक के रखना, पंजे को ऊपर आने देना है, बढ़ गई, अभी देखो सामने जगह कम है ना, हल्का लेफ्ट आओ, अभी स्पेस बहुत है, ये देखो बहुत स्पेस है दोनों में, हाँ लेफ्ट आओ हल्का, आओ धीरे धीरे, हाँ और बस, अभी हल्का राइट रखो गाड़ी, हल्का सा हाँ, और राइट थोड़ा, और बस अब सीधी करो स्टीयरिंग, पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक, फुल क्लच गुड, अब वापस बढ़ाना है तो पहले ब्रेक को फ्री करो, अब हाफ क्लच, हाफ बस इससे ज़्यादा नहीं, ये होता है हाफ क्लच, हाफ क्लच में बिना एक्सीलेटर गाड़ी मूव कर जाती है, अभी पूरा क्लच छोड़ो और पैर को थोड़ा पीछे खिसकाओ, बस फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, बस रोको गाड़ी, बस अब इसको गियर को न्यूट्रल करो प्रॉपर, बस अब ये फिर छोड़ दो क्लच ब्रेक, अभी इंजन ऑन है गाड़ी का आपका, ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट है, इंजन ऑन है बट गाड़ी रुकी है क्योंकि आपने गियर को पूरी तरीके से न्यूट्रल कर दिया है, अभी इसको वापस बढ़ाना है तो क्या करना है, पहले पूरा क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगा, हाँ फर्स्ट गियर में हमेशा बढ़ानी है, गुड, अभी हाफ क्लच छोड़ना है, फुल नहीं हाफ, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा छोड़ोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर रोको पूरा क्लच, वापस फिर ब्रेक छोड़ो, हाफ क्लच, फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोक रोक कर बढ़ाने के लिए हाफ क्लच की ज़रूरत होती है, फुल क्लच की ज़रूरत नहीं होती, हल्का लेफ्ट आओ, और हाँ अभी क्लच छोड़ो, हल्का सा रेस लो वी शेप में, गुड, हल्का रेस लो, राइट खोल कर, राइट 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 राइट, और थोड़ा लेफ्ट आओ, और अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, पूरा क्लच दबाओ जल्दी से, लेफ्ट लाके पीछे खींचो, गुड, छोड़ो क्लच, नहीं तो बंद हो जाती गाड़ी, ये सेकंड गियर लग गया, ठीक है, स्टीयरिंग आप बार बार नीचे पकड़ लेती हैं, दायरे से नीचे आ जाती हैं, हल्का राइट रखो, हाँ अभी लेफ्ट आओ थोड़ा, हाँ अभी पूरा क्लच दबा के गाड़ी रोकना है, पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, स्टॉप, हाँ अब इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल बीच में, अब बैक गियर डालो, बैक गियर पूरा अपनी तरफ खींचो, पूरा फुल नहीं लगाए, और खींचो अपनी तरफ खींचो, मैम नहीं समझ पाए आप, बीच में पहले इसको न्यूट्रल करो, ये यहाँ ये, अब इसको अपनी तरफ पूरा खींचो, और खींचो, हाँ आप पीछे डालो, ये लगा बैक गियर, ठीक है, लग गया, अब राइट वाले मिरर को चेक करो, यस सर, लेफ्ट वाले को चेक करो, दिख रहा है आपकी स्कॉर्पियो पीछे खड़ी है, ठीक है, लुकिंग ग्लास में देखो, अब हाफ क्लच छोड़ो, पहले ब्रेक छोड़ो, अब हाफ क्लच छोड़ना है, और नज़र पीछे होनी चाहिए आपकी, छोड़ो हाफ क्लच, धीरे 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 जाने दो, जाओ धीरे धीरे, हाँ धीरे 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 स्पीड कम, हाँ दोनों मिरर चेक करो, लेफ्ट और राइट वाले दोनों, इसलिए ताकि आपको दोनों साइड का अंदाजा हो, अभी रोको यहाँ पे गाड़ी, पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, अब इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल ये थर्ड गियर है, करो न्यूट्रल करो, बस पहला गियर डालो, अब गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ाना है, फिर रोकना है, ब्रेक को फ्री करो, ब्रेक को पैर ब्रेक पे रहेगा, हाँ अभी हाफ क्लच छोड़ो, हाफ हाफ हाफ, बस धीरे धीरे, हाँ गुड, स्टॉप, पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप, फिर गाड़ी को न्यूट्रल, गियर को न्यूट्रल करो, बस क्लच ब्रेक छोड़ दो, दोनों छोड़ो, हाँ दोनों छोड़ो,
वापस क्लच दबाओ, पहला गियर डालो, हाफ क्लच छोड़ो, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए। आपने देखो झटके से क्लच छोड़ा इसलिए गाड़ी आपकी बंद हो गई। वापस क्लच दब, ब्रेक से पैर क्यों हटाया, गाड़ी पीछे जा रही है, ब्रेक दबाओ, वापस इंजन ऑन करो, बस बस। अगर गाड़ी पीछे जा रही तो आपको ब्रेक दबा लेना है, ठीक है। अभी हाफ क्लच छोड़ो, ब्रेक तो नहीं दबाया, बस हाफ हाफ क्लच, हाफ बस, ये होता है हाफ क्लच। जाने दो, हल्का लेफ्ट रखो, लेफ्ट, हाँ, वापस पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक, गुड। फिर बढ़ाओ धीरे से, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच पे हाफ, लेफ्ट आओ, थोड़ा लेफ्ट दबाओ, और हल्का लेफ्ट आओ, और थोड़ा, वापस स्टॉप, गुड। फिर वही चीज़ सेम, गाड़ी को बढ़ाना और रोकना, इसको बोलते हैं बम्फर टू बम्फर, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं। ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए जिस टाइम आप क्लच छोड़ रहे हो, हाफ क्लच, जाओ धीरे धीरे, हाँ, वापस स्टॉप करो, बस, फिर आओ धीरे धीरे, आओ, आ जाओ, स्टॉप, फिर बढ़ाओ, मेरे उड़ाना मत, मेरे को रोकना है यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ धीरे से। आपने ब्रेक ज़्यादा दबा रखा था, क्लच छोड़ दिया इसलिए गाड़ी बंद हो गई, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, बस, ब्रेक लगाओ, ब्रेक, अभी पहले हाफ क्लच छोड़ना, फिर ब्रेक से पैर हटाना, स्टॉप। अब लास्ट मोमेंट पे मेरे यहाँ लाके रोकना है, स्पेस देख लो कितना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ हाफ हाफ क्लच पे आओ, बस आ जाओ, स्टॉप स्टॉप, गुड। अभी स्पेस है, 1 फीट का स्पेस है, उड़ाना नहीं मैडम, आ जाओ धीरे धीरे, थोड़ा सा और आगे आओ, स्टॉप। अब आपको क्या करना है, यहाँ से और जहाँ तक ये वाइट पट्टी बनी है कम से कम 10 बार गाड़ी रोकनी है, यही करना है, रोकना और बढ़ाना, रोकना और बढ़ाना। चल, जिस टाइम आप क्लच छोड़ रहे हो उस टाइम आपका ब्रेक वाला पैंडल फ्री होगा, बट पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, हाफ क्लच से ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ना है। स्टॉप, गुड। गाड़ी को रोकना और बढ़ाना अगर आपको आ गया ना, गाड़ी को उठाना, सारा खेल इसी का है, ये चीज़ उसने सिखाई थी आपको। चलो बढ़ाओ, स्टॉप, गुड, फिर बढ़ाओ। और ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट वाला जो मिरर है इसको चेक करो, आपको लेफ्ट साइड का अंदाज़ा मिलेगा कि लेफ्ट में जो ये वाइट लाइन है इससे और टायर का आपका जो दूरी है ये कितनी है, 1 फीट की दूरी है अभी आपके टायर से और वाइट लाइन से, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अभी आपने पता क्या गलती करी, क्लच ज़्यादा छोड़ दिया, ब्रेक नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इंजन क्लच दबा के इंजन ऑन करते हैं, और हमेशा टो से क्लच को यूज़ करना है, बस बस हो गया, जाने दो। पीछे जा रही है तो हल्का ब्रेक दबा लो, जब थोड़ा सा क्लच छोड़ दोगे उसके बाद ब्रेक को रिलीज़ करोगे, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, गुड, स्टॉप। फिर 2-3 बार ऐसे रोक रोक कर बढ़ाना है ताकि आपको क्लच और ब्रेक का अंदाज़ा मिल जाए कितना क्लच यूज़ करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे, स्टॉप।